मैं सविता मौर्या बोल रही हूँ मुंबई से। बोलिए पास्टर, मेरा सवाल है मैथ्यू 25:16 में लिखा है, उनके स्वामी ने उन्हें तोड़े दिए थे और लेन देन करने को कहा था जी। तो ये तोड़े क्या दर्शाता है और लेन देन क्या है, मतलब हमें ये सब सेविकाई है कि मतलब क्या, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ओके 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 ओके, कौन सा स्क्रिप्चर कोट किया उन्होंने, मती का? ओके नाउ मती का 25:16 जहां पे लिखा है कि तोड़े दिए गए, एक को 5, एक को 2, एक को 1। अभी आज के युग में इसको हम क्या बोल सकते हैं या कैसे इसको ले सकते हैं? देखिए, चार किताबें हैं, मती, मरकुस, लूका, योना। मती में 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24 अध्याय, योना में 21 अध्याय। आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको फ्रेम सेट करना होगा। फ्रेम समझते हैं, जो फोटो फ्रेम होता है ना, जैसे पीछे आपने देखा होगा फ्रेम, आपको फ्रेम में सेट करना है। ओके, ये पैराबल है तो पैराबल को हम कितना ले सकते हैं, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे 10 कुंवारी, राई का बीज, फिर वो पेड़ बनता है, खजाना खेत में छुपा हुआ, यीशु के हाथ में उसका सूप है, बहुत सारी चीजें। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसको फिर हमें देखना है फ्रेम में सेट करके। ओके, ये यहूदियों को बोला गया, अच्छा ये अन्य जातियों को बोला गया, अच्छा ये पैराबल है, अच्छा इसको कहां तक ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप 5:2:1 अगर बात करें तो फिर पवित्र आत्मा कहता है कि पवित्र आत्मा डिसाइड करता है, 1 कुरिन्थियों 12:11 में वो डिसाइड करता है कि किसको क्या देना है। अगर पवित्र आत्मा डिसाइड करता है, सिस्टर जी आप सुन रही हैं? जी, पवित्र आत्मा डिसाइड करता है कि आपको 5 की जगह पे 10 देना है। 5-fold ministry है, किसी को 1 ministry मिलती है, किसी को टोटल 5-fold ministry मिलती है, किसी को 1 दान मिलता है, किसी को टोटल 9 दान मिलता है। तो ये पवित्र आत्मा तय करेगा, वो क्यों तय करेगा ये भी बता देता है मिनिस्ट्री के हिसाब से। एक व्यक्ति को, पौलुस की बात करते, पौलुस तो भरा पड़ा था, दानों से भरा पड़ा था, परमेश्वर के दर्शनों से भरा पड़ा था, उसके पास में सब प्रकार की मिनिस्ट्री थी। वो अपोस्तल भी था, प्रॉफिट भी था, एवेंजेलिस्ट भी था, बाइबल पास्टर भी था, बाइबल टीचर भी था, और उसके पास में टोटल 9 gifts ऑपरेट होते थे। तो सिस्टर जी फिर ये 5 और 2 का आंकड़ा तो कट गया यहाँ पे। अगर ऐसा कहें कि ये मिनिस्ट्री है तो ये 5 और 2 तो कट गया। तो किसी एक स्क्रिप्चर पे ये ढांचा बना देना कि इसको 5 मिला है, इसको 2 मिला, ये 1 मिला, वो क्या है आज के युग में? सेविकाई हो सकती है, आपका टैलेंट हो सकता है। अब टैलेंट को दूसरा बता देता हूँ, बहुत लोग कहते हैं मुझमें परमेश्वर ने टैलेंट दिया है। कुछ वर्शिपर से मैं बात कर रहा था मुंबई के, खैर नाम तो नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने टैलेंट दिया है गाना गाने का, तो मैं पूरी जिंदगी यही करूँगा। वो गलत हो जाएगा। मुझे सुनते रहिए सिस्टर जी। कुछ कहते मुझे टैलेंट है स्पीच का, मैं स्पीच करता रहूंगा। कुछ लोग कहते मुझे टैलेंट है वायलिन बजाने का, मैं पूरी जिंदगी वायलिन बजाता रहूंगा। ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा परमेश्वर ने मत्ती 28:18 दिया है, और जब तक वो नहीं करते, जिसको कहते हैं मिशन ऑफ क्राइस्ट, वो नहीं करते तो गई भैंस पानी में। आप मिशन में इन्वॉल्व हो जाओ, बाकी आपको 5 talent है, 2 talent है, 1 talent है, आप उसको यूज करो मिनिस्ट्री में। आपको गीत आता है, बिल्कुल गाइए, आपको गिटार आता है, बिल्कुल बजाइए, आपको स्पीच करना आता है, बिल्कुल करिए, लेकिन ये है पार्ट टाइम, ये मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपका जो टोटल होल है ना, जो संपूर्ण है, वो यीशु की बुलाहट है। जी सिस्टर। ओके पास्टर, ठीक है, वो टैलेंट तोड़े अग्री करती हुए, फिर ये लेन देन करना और फिर उससे कमाना, कमता मैंने अभी कहा ना सिस्टर, पैराबल है, वो पैराबल है, वो एग्जाम्पल है जो वहां पर होती थी। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि एक आदमी खेत में था और उसने अच्छी बीज बोई और बुरे बीज कोई बोकर चला गया, तो अब आपको तो इतना तो पता ना कि अगर एक आदमी का खेत का जिक्र करना होगा तो पूरा का पूरा बीज का भी जिक्र करना होगा। तो थोड़े की बात हो रही है तो लेन देन का भी बात होगा ना सिस्टर। तो लेन देन का मतलब है आपका जीवन, आप कैसे जी रहे हैं, आप उसको लेकर कैसे मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ये बताता है उसको। अच्छा, मतलब जो हम सीख रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं और लोगों से सीख भी रहे हैं जी, तो और वो हिसाब से लेन देन हो गया जी। और आप उसको लेके कैसे जीते हैं, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22:11 में लिखा है, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, मैं हर एक को उसके कामों का हिसाब देने के लिए आ रहा हूँ, ये है। ओके, तो मतलब प्रभु की ओर से हमें जो टैलेंट मिलता है तो हमें उसका इस्तेमाल जरूर करना है, जैसे कि 5 तोड़े वाले ने 2 तोड़े वाले ने किया था। जी, लेकिन पूरी जिंदगी टैलेंट पे नहीं बिताना है।
हाँ, आपका मेन गोल है ना, होल सोल जिसको कहते हैं ना, वो मत्ती 28 है। मत्ती 28:18 जी, चेला बनाना, सुसमाचार सुनाना, चर्च प्लांटिंग करना, लोगों को एजुकेट करना, टीच करना, इसके बीच में आपका टैलेंट अगर यूज होता है गाना गाने का, गिटार बजाने का, तो बिल्कुल यूज करिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस।